जब हम पढ़ते थे ना जो हमारे वहाँ के जो हेड मास्टर थे ना अरे यार दिन भर पता नहीं कान में जो ईयरफोन में जो इयरफोन रहता था पता नहीं किनसे बात करते थे सेटिंग जी अब तो अब स्कूटी पर चलते है कि कारे पे चलते हैं नहीं दोनों में चलते हैं स्कूटी में ज्यादा चलता है की झगड़ा होता है गड़िया में झगड़ा होता आ, लोगों है लोगों को मतलब इसका ज्यादा होता है आज के जमाने में क्या होता है नहीं विजय जी जो लेबर कैटेगरी का लोग होता है ना जो गरीब होता है उससे जो बड़ा आदमी होता है ना वो नहीं चाहता कि कभी अमीर हो वो चाहता है कि गरीब रहे और लेबर करता रहे अगर वो लेबर आदमी गाड़ी ले लेगा तो जो पहले से गाड़ी पे चल रहा है उसको लगेगा बुरा कि यार ये हमरे टक्कर में कैसे आ गया क्योंकि मेरे गांव में देखा जाए तो मेरे मतलब मेरा ही सिंगल गाड़ी है सबसे मतलब कि बढ़िया में देखा जाए तो और एक आदमी का है गोल्ड मतलब ये दो आदमी के हैं लेकिन महंगा मतलब मेरे ही है तो लोगों को लगता है थोड़ा सा और भी तो जॉब वाले हैं वो लोग नहीं लिए नहीं कर पाए लेकिन हम कर लिए तो कोई भी चाहता है कि कोई आगे ना बढ़े और कोई मेरे से आगे ना हो सबको जलन होता है जी। तो हमारे साथ विजय बाहर आ जाइए तो जी से हम बात कर रहे थे अपनी बच्ची का एडमिशन कहाँ वो तो प्राइवेट में कहा भाई सरकारी नहीं करना चाहता हूँ सरकारी स्कूल का लेकिन मैं जिस स्कूल से पढ़ के निकला हूँ की मुझे डर नहीं है फरवाने अभी क्योंकि जब हम पढ़ते थे ना जो हमारे वहाँ के जो हेड मास्टर थे ना अरे यार दिन भर पता नहीं कान में जो घुसले रहता था पता नहीं से बात करते थे वाह okay. <laughs> ये सच बात है तो नहीं कान में जो पढ़ाने के समय बीयरफोन लगाना मतलब कहीं लगा नक... दिन भर ऑफिस में ही अच्छा दिन भर ऑफिस में उफिस पढ़ाते नहीं थे नहीं, नहीं। बहुत कम बुद बुद होंगे बहुत हाँ यार सही तो बता रहा है ना हाँ और जो मास्टर व्हाट्सअप क्या क्या करते रहते हैं अच्छा। क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं लेकिन जो जो बच्चा अगर तेज हो जिसका पढ़ने में रुचि हो जिसका माँ बाप थोड़ा सा टाइट हो अगर ट्यूशन अगर भेजते हैं तो वही बच्चा सही है नहीं तो जो अगर बोले सरकारी स्कूल के भरोसे में रहेगा ना कुछ नहीं होगा कि प्यार मोहब्बत करके शादी ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए देखिए करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए करना चाहिए लेकिन जब अपने पैर में खड़ा होगा ये चार्थ चार्थ सच बात है चार्थ चार्थ लड़का हो क्योंकि लड़की भी अगर जो मतलब हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारी सिस्टर भी हो सकती कोई भी हो सकता पहले देखे वो कि लड़का क्या कर रहा है वाकई वो उसमें मतलब दम है कि नहीं है हमको कमा के खिला पाएगा कि नहीं अगर अच्छा जगह अगर सेट है पहले से तो और बढ़िया है लेकिन देखा देखी में अगर जाएगा तो फिर अपने फिर लेबर कुली करेगा दोनों को मिल करके हमारी तरह और क्या करेगा किस्मत करे? में जगह तो तो ठीक है नहीं तो फिर दर 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 भटकते रहेगा आ, ये बहुत सही बात है तो सोच समझ के कीजिए देखिए प्यार मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है गलत बात नहीं है सबका अपना हक है अधिकार है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आप देखिए कि आप किससे कर रहे हैं वो बंदा करता क्या है इनसे जब आपकी मोहब्बत थी आप लोग जब जब शादी नहीं किए थे जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपके साथ साथ किसी और लड़की के साथ उनका अथी था क्या बात उत करते थे क्या नहीं आप ऐसा नहीं करते थे ना आपको देख के ही लगता था सीधे साधे इंसान है लेकिन सीधो सीधा सीधा इंसान भी कभी कब कभी सबको ट्रकु कर देता है बात आपका भी कहना सही क्योंकि आज के डेट में किसी भरोसा करना ही मतलब कि ये है लेकिन फिर भी जो लड़का हो लड़की हो, अगर मैरिज के ऊपर अगर इस बात को अगर रखा गया तो कोई भी लड़की हो क्योंकि लड़का का तो कुछ नहीं जाएगा लड़की का सब चीज़ जाएगा क्योंकि अगर भाग के शादी करेंगे तो लड़की दोबारा हुआ घर नहीं जा पाएगी लड़का तो जाएगा मैं तो अभी अपने घर पे हूँ ना देख रहे जी अपने घर आज तक गए आतेने को अच्छा जब से शादी हुई अब तो घर घर नहीं नहीं गए गया है। नेको अपना तो ये दुख वाली बात दुख है वाली बात इसलिए मैं सच्चाई खोल रहा हूँ सच्चाई बता रहा हूँ इसलिए लड़की को मतलब फर्ज है क्योंकि लड़की को जानना है कि लड़का कैसा स्वभाव का है वो कमा के हमको खिला पाएगा कि नहीं उसका चरित्र कैसा है और पहले से उसका कैसा कैरेक्टर है पहले से ही न जैसे अगर प्रेम विवाह कोई अगर कर रहा है तो उसके बारे में पहले उसको पता है कि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड है उसका व्यवहार कैसा है क्या है हमने से पता चल जाएगा फिर बाद में वही जो जुन दुनिया झुलाएगा यहाँ तो खसिया खिलाने वाला लोग आता है कि नहीं जिसको खसिया मांग रहा था भागे से लेके सब लोग आते हैं सब आता है तो जब गड़िया लेने के बाद ले ले बाद तो सब करेगा जब गाड़ी ले लिए घर बना लिए तो सब आएगा जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है तब ना सब नकारता है कि ए तू सब छोड़ कौन है तो विजय जी रिया जी हैं बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके बड़े प्यारे इंसान हैं और जनरल जो होता है वो वीडियो में बताते हैं ज्यादातर लोगों का ब्लॉग हम जो देखते हैं झूठ मुझे लगता है पर्सनली बोल रहा हूँ ज्यादातर तो लोगों का मुझे झूठ फेक लगता है ब्लॉग लेकिन आप लोग का जो होता है मैं यहाँ पर आके देखता हूँ मिलता है क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ आपका ब्लॉग जो वीडियो में दिखाते हैं वो यहाँ पर मिलता है लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो वीडियो में कुछ और दिखाते हैं रियल में अगर हम चले जाए तो वो कुछ और निकलेगा मानते हैं कि नहीं सही बात ही होता है ऐसा नहीं होना चाहिए आपको ऑडियंस प्यार देती है तो तो ऑडियंस का भी रेस्पेक्ट होना चाहिए तो कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे साथ विजय रिया ब्लॉग से विजय और रिया दोनों बहुत ही प्यारे इंसान हैं प्यार मोहब्बत से शादी किए हैं और आज खुश हैं यूट्यूब की कमाई से और सबसे अच्छी बात यह कि दर्शकों ने इनको खूब प्यार दिया है जय हिंद वंदे मातरम जोहार झारखंड जोहार